गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तजम्मुल अंसारी आप लोगों के लिए बेसिक मैथ का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। आपको पहले और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को पहले वीडियो में खासतौर अचर राशियों, जो अंक वाले राशियाँ हैं, उनका कैसे जोड़ और घटाव करते हैं और उनका गुणा कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को चर राशियों का भी जोड़ और घटाना बताया, उसके साथ साथ एक दो एग्जाम्पल गुणा कर दिया। आज मैं उसका भाग और एक घात वाले चर पद के समीकरण को कैसे हल करते हैं उसे मैं समझाऊंगा। देखते हैं, जैसे आपको ऐसे सवाल देते यक्स प्लस 3x प्लस 8x इक्वल टू 24 हो गया, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब x के आगे कुछ ना दिया है तो इसे 1 मानते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब तीनों प्लस है तो तीनों आपके पास, तो 8 रुपये आपके पास, 3 रुपये आपके पास, 11 आपके पास, 1 रुपये आपके पास, तो 8 3 11 1 12 12x हो गया। जब 12x हो गया तो 12x इक्वल टू 24, और आपको मालूम ही होगा कि जब 12x का मतलब 12 गुणे x होता है, और जब यहाँ से हम कि इधर जाएंगे तो ये भाग हो जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 बटा में 12 इक्वल टू 2। ये आपको इजी सवाल के थ्रू आपको समझाया गया। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि माइनस वाला सवाल भी दूँ और इसमें कोष्टक सहित कुछ सवाल दें। जैसे आपको ये सवाल दे दिया गया कि यदि 6y माइनस इसको 13 कर दे रहा हूँ, 13y प्लस 4y दे दिया, ऐसे सवाल इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 26, ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे। करना कुछ नहीं है बच्चों, इसे हम सीधे सीधे, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसके आगे प्लस होगा, दोनों प्लस वालों को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद इनको भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे प्लस 6y है, ये प्लस 6y है, और इसे भी हम कल हल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस। आप लोगों को चारों रूल बता दिए थे कि अगर प्लस का प्लस में गुणा होगा, प्लस का प्लस में, ये भी मैं आपको बता दिया था कि प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है, प्लस का माइनस में गुणा करते हैं, प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो भी प्लस, तो भी माइनस होता है। ठीक है, तो ये चारों रूल्स को हम हमेशा फॉलो करेंगे, केवल और केवल गुणा करने में, चाहे ये अंकों का गुणा हो, चाहे ये कोष्टक के बाद का गुणा हो, चाहे ये यक्स वाई अचर पद, ये चर पद का गुणा हो, चारों गुणा में हमें ये रूल फॉलो करना होगा। जोड़ घटाना में मैंने आपको सिंपली बताया, सिंपली फिर से आपको बता दूं, जोड़ घटाना में मैंने आपको बताया जैसे अगर दे दे 5x माइनस 13x, तो क्या करते हैं, ये कुछ नहीं दिया तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब मैंने आपको बताया कि प्लस मतलब मेरे पॉकेट में 5 रुपया मेरे पॉकेट में है और 13 रुपया मैंने उधार लगाया था। करना क्या है भैया, 13 रुपया मैंने उधार लगाया, 5 रुपया पॉकेट में, उधार तो ज़्यादा था ना, तो मैं क्या करूँगा कि लो भैया अपना 5 रुपया ले लो, तो 5 रुपया देंगे, उन्होंने कहा ये दुकानदार कहेगा ना भैया 5 दिए हो, अभी 8 रुपया उधार है, तो ये अंकों का जोड़ घटाना आपको बता दिए थे, और ये जो अचर जो चर पद होते हैं उसको उसी तरह बस उतार देते हैं। कब, जब दोनों सेम रहेगा तब, जहाँ अगर x में x स्क्वायर हो जाए या दोनों अलग पद हो गए, भले ही यहाँ x हो या x स्क्वायर हो, x क्यूब या x स्क्वायर हो, तो ऐसे सवाल हम नहीं लगा पाएंगे। ऐसे सवाल डायरेक्ट आपको बताए थे कि ये 2 घात 3 घात रहे और 1 घात रहेगा तो उसी तरह उतर जाएगा, दोनों जब सेम होता है तभी हम घटाना करते हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियो के साथ साथ आप पहला दूसरा जहाँ भी दिक्कत होगी आप क्रमबद्ध तरीके से पहले और वीडियो को देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम कि माइनस और माइनस, जब माइनस माइनस ऐड गुणा हो जाएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 13y उसी तरह उतर जाएगा, और प्लस 4y, और टोटल का ऐड दिया है आपका 26। करते क्या है कि तीनों पद एक हैं, अगर तीनों ये चर राशियाँ एक हैं तो बस वाई को हम कलेक्ट कर लेंगे और अंक को जोड़ देंगे, 13, 6, 19, 4, 23, 23y प्लस 23y इज इक्वल टू 26। तो करना क्या है कि वाई का मान जो होगा हमारा ये 26 होगा और ये नीचे 23 होगा।
और यही हमारा आंसर होगा। इसे हम कटा के एक दशमलव कुछ भाग भी दे सकते हैं, चाहे ऐसे ही छोड़ दें, एक दशमलव यहाँ तीन जीरो जाएगा और 23 फिर यहाँ एक बार में भाग जाएगा और 7 जीरो लगभग 1.13 के लगभग लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूंगा जिसे आप आसानी से लगाएं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको चौथे या पांचवें वीडियो में कोशिश करूंगा कि जब द्विघात ऐसे पद दे दें कि 5x + 3y = 16 दे दें और 4x - y = 5 दे, तो ऐसे सवाल में यक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। कोशिश करेंगे पहले इस ये समझाने से पहले आपको बेसिक नॉलेज आपको समझा दिया जाए, और बेसिक नॉलेज जब आप समझ जाएंगे इसका जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, अंकों का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, पद दे दे, चर राशियां दे दे, एक्स वाई जेड दे दे, तब हम जोड़ घटाव कैसे करेंगे, उसके बाद ये सवाल आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत अधिकतर स्टूडेंट को देखा हूँ कि एक अच्छा 8 में ये बताया जाता है, लेकिन 8 के बाद 9-10 तक इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत हिचकिचाते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से हम इस तरह एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं तब तक कई अधिकतर सवाल हम समीकरण से संबंधित जो सवाल लेते हैं उन्हें लगाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा ये बेसिक नॉलेज आपको जरूर से जरूर दूँ, और इसके बाद आप लोगों को पूरी कोशिश की जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से अमर सिंह चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि अमर सिंह चैनल को जो लोग सर्च मार रहे हैं वीडियो पे उसे केवल अमर शहीद SHAHID अमर शहीद और JNA एक साथ ऐसे भी लिख लें, ऐसे लिख लें अमर, आप चैनल पे अमर शहीद और JNA केवल इतना सर्च मारेंगे तो आपका ये यूट्यूब चैनल आपको दिखा देगा। उस पर अपने स्कूल का यहाँ लोगो रहेगा जिसमें भगत सिंह का फोटो होगा, और इसी लोगो के बाद आप देखेंगे तो आपका पूरा वीडियो सामने दिखा देगा। उसमें कुछ स्टूडेंट्स इसे मिटा दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उसमें मैं प्ले लिस्ट में कैसे जाऊँ। जब आप इसे सर्च करेंगे यहाँ आपको होम पेज और यहाँ चैनल का ऐसे यहाँ प्ले लिस्ट का ऐसे प्ले लिस्ट लिखा होगा, आप इसको सर्च करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वीडियो जितने भी पिछले वीडियो हैं आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ अब कि और इससे संबंधित और मैं आपको कुछ सवाल देने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिसे आप खुद लगाएंगे रोक कर, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन एक मिल गया 4x - 3y + 5x कर दूँ और माइनस इसे माइनस कर दूँ +5x और यहाँ पर आपको प्लस कर माइनस कर दूँ, ये हो गया आपका 10y। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ आपको मान लेने को नहीं देगा, ध्यान देंगे जब केवल x रहेगा तो मान करके हम करने को देगा, केवल y रहेगा तो दे देगा, अगर एक ही पद में और x y और यहाँ 26 या 20 कुछ भी दे दे तो आप x और y का मान क्लियर ही नहीं निकाल सकते तब तक जब तक दो समीकरण ना दें। ऐसे जैसे यहाँ x और y में एक रिलेशन है, x और y में दो रिलेशन है, और इन दोनों रिलेशनों को हम हल कर x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर केवल एक दिया रहेगा जैसे यहाँ दे दे 3x - 13x = -20 तो ऐसे हम मान निकाल सकते हैं, ऐसे दे दे 5y - 25y = 40 तो हम y का मान निकाल सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको x और y दोनों दे दे और केवल एक समीकरण दे और यहाँ पर कुछ भी मान दे तो हम x और y का डायरेक्टली मान नहीं निकाल सकते हैं तब तक जब तक आपको दो समीकरण ना दिया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर केवल ये ना दे, मान ना निकालने को दे, चाहे इसे हल करें तो हम इसे हल कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे, यहाँ आपका -4x, यहाँ आपका +5x। मैंने आपको बताया था कि जो एक घात वाले हों, एक जात वाले हों, वो एक साथ जुड़ेंगे, और यहाँ देख रहे हैं वाई का ये दोनों एक जात एक तरह के हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड करें, करना क्या है हमें, एक्स है दोनों, यहाँ एक्स उतार देंगे, जो है वैसे ही रहेगा, 5 और 4 4 रुपया हमारे पास उधार है और 5 रुपया हमारे पास एक है,
करना क्या है, हम उनका 4 रुपये वापस करेंगे तो हमारे पॉकेट में कहाँ बचेगा भाई, 1 रुपये पॉकेट में, क्योंकि 4 ही उधार है और पॉकेट में ज़्यादा हो गया तो पॉकेट में बचेगा। इस सवाल में हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको दिया है -3y -10y, 3 रुपये मैंने उधार ही लिया था और 10 रुपये फिर उधार ले लिया, तो हमारा 13 रुपये क्या हो जाएगा, उधार ही रहेगा और इसका आंसर ही होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके आगे अंक दे दे पद दे दे तो उसका मान हम नहीं निकालेंगे तब तक जब तक ऐसे ही दो समीकरण ना दिए रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ देखिए 3x है और -13x है, ये 3 कुछ नहीं दिया है तो हम इसे पॉजिटिव मानेंगे और पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये 3 रुपया हमारे पॉकेट में है ना जी, तो 3 रुपये हमारे पॉकेट में और 13 रुपये मैंने उधार दिया, करना क्या है भैया अपना 3 रुपये ले लो, 3 रुपये देंगे तो दुकानदार कहेगा कि 10 रुपया उधार है इसको लेके आइएगा, है ना जी, तो इन्हें आप 10 रुपये उधार में देना होगा और जो भी यक्ष है वही पद रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब केवल यक्ष रहे यक्ष का यक्ष ही रहेगा, यक्ष स्क्वायर दोनों रहे तो यक्ष स्क्वायर ही रहेगा, यक्ष दोनों एक होंगे बस वही उतर जाते हैं, ठीक है। आगे इसके आगे अंक भी दिया है -10x = -20, अब देखिए क्या करना है हमें, -10x = -20 हो गया तो हमें x का मान अगर निकालना होगा, x = हो जाएगा हमारा -20 - 20/-10 - 20/-10। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस का गुणा होगा तो भी प्लस, और ध्यान देंगे यही सेम रूल आपका भाग पे भी फॉलो होता है, अगर प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस, प्लस प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस, चाहे ऊपर दोनों प्लस हो तो भी प्लस, ऊपर दोनों माइनस, ऊपर नीचे दोनों माइनस हो तो भी प्लस, एक प्लस एक माइनस हो, चाहे ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, चाहे ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ देखेंगे दोनों सेम एक तरह हैं, ये दोनों कटेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा और 10 × 20 यानी इसको हल करने पर हमें x का मान +2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह हम इस पद को निकाल सकते हैं और ऐसे ही x का मान y का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आपको अब ये क्वेश्चन आपको हल करके बता दूं, अगर दे दिया 5y, ये कुछ नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव यानी हमारे पास में है, और -25 - 25y = 40 यानी कि ये पॉजिटिव दिया, 5 रुपया हमारे पॉकेट में, अब 25 रुपया उधार, तो पॉकेट में हमारे पास 5 रुपया है, उधार हमने लगाया 25, करना क्या है भैया ये अपना 5 रुपये ले लो, दुकानदार कहेगा कि भैया ये 20 रुपया और लेके आ जाना, है ना, 5 रुपये हम दे देंगे और 25 रुपये उधार था तो 5 रुपये देंगे तो 5 रुपये कट गया, बाकी 20 तो उधार रहेगा, तो -20y ये आपको ऐसे हल कर लेंगे, और दिया है यदि -20y = 40 तो करना क्या है y का हमें मान निकालना है, तो y = हो जाएगा ये 40 उसी तरह रहेगा और ये -20 नीचे आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आगे कुछ नहीं दिया रहे अंक के आगे, पद के आगे, अचर पद के आगे, चर पद के आगे कुछ ना दिया हो तो उसे पॉजिटिव ही कहेंगे, और जब यहाँ +40 हो गया और नीचे हर में -20 हो गया, करना क्या है इससे इसे हम भाग देंगे 20 × 40। अब रही चिन्ह का बात, देखेंगे हम अगर दोनों प्लस हो तो भी प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस, जोड़ हो नहीं गुणा हो चाहे भाग हो दोनों में ये रूल होगा, और जब एक प्लस एक माइनस दिखाई दे चाहे ऐसे दे दे +4 × -2 तो भी हम -8 लिखेंगे, और ऐसे दे दे -4 × +2 तो भी हम -8 ही लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस तो भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, या ऊपर माइनस नीचे 20 +20 रहता तो भी हमारा आंसर -2 ही आता, ठीक है। तो इस तरह हम एक घात में जब एक्स वाई का मान दिया रहेगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप खुद लगाएं एक बार और लगा कर देखें कि इसका आंसर कैसे आएगा। दे दिया अगर आपको क्वेश्चन कि 5x³ + 3x³ + 5x³ + 3x³ - 2x² = 14, तो हमें x का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसे हम अगर ऐड करेंगे, देखिए ये दोनों पद सेम एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, और ऐसे जब हम हल करेंगे ये हम 8x³ लिख सकते हैं लेकिन ये उसी तरह उतरेगा, ये आपस में ये जोड़ और घटाना नहीं हो सकते, और इसका मान 14 होगा, तो इसे आगे हम
क्लास 6, 7, 8 के बेसिक हम इसे हल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 9 के बाद जब ऐसा सवाल देता है तो आपको आगे बता दिया जाएगा कि ऐसे हल करने के लिए हम उसमें सबमिट मान लेते हैं कि यदि x 1 हो तो 8 × 1 = 1 का 3 वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा 8 × 8, फिर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 1 पे वैल्यू करेंगे तो -2, 8 − 2 = 6, ये फैलो नहीं हो रहा है। 2 पे चेक करते हैं तो 2 × 4 × 8 = 64, −2 × 4 = 8 घटाते हैं तो ऐसे नहीं। तो इस तरह करके आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको हल हो जाते हैं। जैसे अगर इसके आगे दे देगा कि 2 पे रखने पे मान लीजिए 2 × 4 × 8 आएगा, 8 × 64, ये 64 आ जाएगा। 2 पे रखेंगे 2 × 4 = 8, यहाँ जैसे और ऐसे जब घटाएंगे हमारे आंसर आएगा 56। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन दे देगा 56 और यही सवाल इसके आगे 56 दे देगा, कहेगा इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे तो नहीं लगेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, वहाँ माना जाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा x = +1 पे चेक करते हैं, -1 पे चेक करते हैं, +2 पे चेक करते हैं, -2 पे चेक करते हैं, +3 पे चेक करते हैं और ऐसे करके आपको आगे ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको बेसिक नॉलेज से तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन दें तो इसे हम इतने पे ही बस 6-7-8 के बेस पे इतने पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि 5x² − 3y + 2x² = 7 या 14 दे दिया तो इसे कैसे हल करेंगे, तो ध्यान देंगे ये दोनों जस्ट एक जैसे हैं, इन्हें हम उतार के जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी प्लस 5 और 2 + 7x², लेकिन ये −3y ये अलग जाति का हो गया और ये इन दोनों में आपस में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं और इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही x² दे दे, यही x² दे दे तो हम क्या करेंगे, 5x² − 3x² + 2x² दे दे, अगर 14 ही दे इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, चाहे हमारा आंसर कटे, चाहे भिन्न में आए, चाहे दशमलव में आए, लेकिन हम इन्हें पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 5 रुपया मेरे पॉकेट में, 2 रुपये मेरे पॉकेट में, 7 रुपया मेरे पास है, मेरे पास या मेरे पॉकेट में है, तो 7x², लेकिन 3 क्या है, ये 3 उधार है, ये 3 उधार है, 7 पॉकेट में है और उधार मैंने 3 लगाया है, जाके उनका 3 रुपये देंगे, फिर भी मेरे पास 4 रुपये बचेंगे, ये 4x², इसे बस ऐसे उतार देंगे, 4x² = 14, तो x² में हमारा मान आएगा 14 × 14 = +4, ये भी प्लस कटेगा तो आपका आंसर प्लस में जाएगा, भाग देंगे 2 × 4 = 2, 7 × 14 यानी 7/2 यानी कि +3.5 रुपये, जो x का मान होगा ये देखिए, ये x² का मान आएगा +3/5, अगर आगे इसको करेंगे तो x का मान आएगा आपका परिणी में 3.5, ठीक है। तो अगर x का मान निकालने को पाए तो ऐसे हम करके लगा सकते हैं, ठीक है। जिस पे वो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, y² में रहेगा तो y² का मान निकलेगा, जेड का देगा तो z², अगर क्यूब में रहता है तो इसको करनी में। आगे आपको इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक नॉलेज के थ्रू पहले ये सब आप एक्स वाई ये सिंपल अंकों का जोड़ घटाना आप सीख गए, गुणा भाग सीख गए, चर और रचक पदों का योग घटाओ गुणा भाग आप सीख गए। अब आपको कोशिश करेंगे अगले में, चाहे उससे अगले तीसरा ये वीडियो है, चौथा या पांचवा वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन समझा दूं, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रीजनिंग के थ्रू किसी संख्या का वर्ग करना, होल क्यूब करना, अंकों का जल्द से जल्द जोड़ घटाव करना, अंश भिन्न के जो क्वेश्चन आएंगे अंश और हर में उन्हें हम कैसे जानेंगे, जल्द से जल्द कौन बड़ी संख्याएं हैं कौन छोटी संख्याएं हैं, या उसके बाद भी कुछ अन्य सवाल हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम के थ्रू बहुत ही आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बेसिक नॉलेज दिया जाए आपको इस चैनल के माध्यम जो क्लास 6 से लेकर इंटर के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी हो, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कंपलसरी हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में 12 क्लास हैं तो आप हर स्टूडेंट लगभग 4 या 5 या 6 किसी किसी क्लास में आखिर 8-8-9 सब्जेक्ट हैं, जैसे 6-7-8 में तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा जाए तो 60 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा एक दिन में, और ये जहाँ तक उम्मीद है बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगी। लेकिन अगर आपको 5 या 6 सब्जेक्ट आपको हिंदी ग्रामर का 15-20 वीडियो लगातार
ऐसे करके आपको हिंदी ग्रामर समझाया जाए तो सबका एक होगा, इंग्लिश ग्रामर समझा दिया जाए वो सबका एक होगा, जियोग्राफी इतिहास और हिस्ट्री इतिहास भूगोल का बेसिक नॉलेज दे दिया जाएगा वो सभी सभी को समझ में आएगा। मैथ है और आगे कोशिश किया जाएगा कि हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आप लोग को दिया जाए जिससे हर एक स्टूडेंट क्लास सिक्स सेंटर प्लस अन स्टूडेंट चाहे किसी स्कूल के हों उन्हें आसानी से ये चीज़ समझ में आए। और यदि इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें और कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को अधिक से अधिक बेसिक नॉलेज के थ्रू अच्छा से अच्छा आपको ज्ञान के थ्रू कि आप अधिक से अधिक आप पढ़ाई में लगे रहें। इसके अलावा भी आप अपने सिलेबस से रिलेटेड अपना जो भी सब्जेक्ट है उसे आप देखेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। फिर स्टूडेंट इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से शेयर करें। और खुद आप भी उनके यूट्यूब चैनल पर मैंने बताया कि सर्च मार कर आप ऐसे भी आपको उनको दिखा सकते हैं कि अमर सिंह जेडीएनए करके आप यूट्यूब करेंगे तो आपको स्कूल का लोगो मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप को अमर देश के माध्यम से जितने भी वीडियो बताए गए हैं उनका सब वीडियो एक साथ आ जाएगा, आप उन्हें लोगों को बता सकते हैं। धन्यवाद। कोई दिक्कत बताएंगे।